दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की तस्वीरें इस समय आप रियासी अपडेट्स में लाइव देख रहे हैं। ये ब्रिज, रेलवे ब्रिज जो है, कोड़ी और बक्कल के दरमियान बनाया जा रहा है और इसका कार्य जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब कुछ मिसलिनियस जो कार्य है वो बचा हुआ है, वो किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी साल के दिसंबर तक हो सकता है इस पुल को पूरी तरह से, इसका कार्य जो है वो मुकम्मल कर दिया जाए। 13 अगस्त को यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और जो डेक पुशिंग का काम था वो यहाँ पर ख़त्म किया गया। आप देख सकते हैं ये सिंगल आर्च ब्रिज है, रेलवे का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च ब्रिज पूरे दुनिया का, और डेक पुशिंग का काम भी मुकम्मल हो चुका है। अब मिसलिनियस जो कार्य है वो किया जा रहा है। आर्च की तस्वीर आप देख सकते हैं, आर्च के ऊपर पिल्लर और पिल्लर के ऊपर आर्च है और फिर इसके ऊपर डेक लगाए गए हैं, डेक को जोड़कर ये पुल बनाया गया है और कश्मीर तक रेल पहुंचाने का जो सपना पिछली सरकारों ने या मौजूदा सरकार देख रही है, इस पुल के बनने के बाद उसमें एक बड़ा कदम जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि कश्मीर तक ट्रेन इसी पुल से होकर गुजरेगी। इसके साथ ही जो पाइलन ब्रिज है वो भी, केबल ब्रिज है वो भी अंजी रिवर पर बनाया जा रहा है, रियासी के साथ लगते इलाके में ही। और ये जो ब्रिज है ये बक्कल और कोड़ी के दरमियान इसका निर्माण जो है वो किया गया है। पिछले कई सालों से इसका काम जो है अफगान्स कंपनी द्वारा किया जा रहा है। नॉर्दर्न रेलवे का ये कार्य है, उन्होंने आगे KRCL को इस रेल प्रोजेक्ट का काम दिया है और इस पुल का निर्माण जो है वो अफगान्स द्वारा किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई आपको बता दें 359 मीटर्स चिनाब दरिया से इसकी ऊंचाई है। तस्वीरें चिनाब दरिया की भी आपको दिख रही होंगी, 359 ऊंचा है ये चिनाब दरिया के, जो वाटर लेवल है चिनाब दरिया का उससे, और ये कहा जाता है कि जो एफिल टावर है उससे भी 35 मीटर ऊंचा ये रेलवे ब्रिज है। और कुल लंबाई की अगर बात करें, चिनाब दरिया के ऊपर तो ये ब्रिज है लेकिन उसके आगे तक ये ब्रिज जाएगा, और कुल इस ब्रिज की लंबाई की अगर बात करें तो 1315 मीटर इस ब्रिज की कुल जो लंबाई है वो है। आज़ाद भारत के 75 वर्षों के इतिहास में विकास की कड़ी में ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज डिस्ट्रिक्ट रियासी में लगभग बनकर तैयार हो गया है और ये भारत के जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी शान की बात है। और आपको बता दें कि दिसंबर तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसको पूरी तरह से मुकम्मल जो है वो कर दिया जाएगा। और बक्कल में स्टेशन बनेगा, यानी कि बक्कल के जो आसपास के लोग हैं या बक्कल के लोग हैं वो यहीं से ट्रेन में बैठकर दिल्ली जा पाएंगे, कश्मीर जा पाएंगे, तो एक जो यातायात माध्यम है वो बदलाव लाएगा यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में। तो ये तस्वीरें दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की आप इस समय रियासी अपडेट्स में लाइव देख रहे हैं। तो जो क्रेन है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने हमारे ये क्रेन है, ये बाहर से, ये कहा जाता है कि ये बाहर से लाई गई क्रेन है और इसी के माध्यम से इस पूरे पुल का काम जो है वो किया गया है। इसमें वायर्स, केबलिंग आप देख रहे हैं, इन केबल्स के माध्यम से ही जो सामान है यहाँ से आगे ले जाया जाता है और इस पुल का जो भी काम है मैक्सिमम काम जो है इस क्रेन की मदद से ही किया गया है। और कश्मीर तक जो सपना देखा जा रहा है ट्रेन पहुंचाने का, ट्रेन के माध्यम से कश्मीर को जोड़ने का पूरे देश के साथ, वो सपना जो है इस पुल के बनने के बाद ही पूरा होगा। और इस पुल का कार्य जो है दिसंबर तक इसी साल जो कहा जा रहा है कि ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। और अगस्त, 13 अगस्त को यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और कार्यक्रम किया गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बनाया जा रहा था और जो डेक पुशिंग का काम था वो यहाँ पर मुकम्मल किया गया था। तो क्रेन के माध्यम से इसका ज़्यादातर जो कार्य है वो किया गया है और 17 पिल्लर जो हैं इस पूरे पुल में लगाए गए हैं और उन्हीं पर
आर्च भी लगाई गई है, और आपको बता दें चिनाब दरिया के ऊपर तो ये पुल है ही, उसके आगे भी ये पुल है। कुल जो पुल की लंबाई है वो 1315 मीटर है, 17 पिलर और सिंगल आर्च ब्रिज है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रियासी में कोड़ी और बक्कल के दरमियान बन रहा है, और ये इस समय आप क्रेन की तस्वीरें देख रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस अपडेट पे इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।